अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू ए डिज़ाइनर जी। काफ़ी दिनों बाद यूट्यूब पर वापसी आ गया हूँ। कुछ मसरूफियत के बायस वीडियो नहीं बना सका और बहुत ही मसरूफियत थी, तो इंशाल्लाह अब जैसे जैसे फ्री होंगे इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर आता रहूँगा। और आज की वीडियो में मैं आपको बहुत छोटी चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, मुमकिन है शायद आप में से काफ़ी दोस्तों को पता हो। देखिए, आउटर ग्लो के जरिए ग्लो क्रिएट करना तकरीबन सभी को पता है किस तरह हम क्रिएट करते हैं, बट आज मैं आपको एक ऐसे ट्रिक बताने लगा हूँ कि जिसके अंदर हम आउटर ग्लो बगैर आउटर ग्लो का यूज़ किए हम ग्लो इफेक्ट क्रिएट करेंगे फोटोशॉप में। तो कैसे क्रिएट करेंगे यही बताने लगा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फोटोशॉप पर आता हूँ। अच्छा, देखें एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जब भी आप कहीं पर ग्लो इफेक्ट अप्लाई कर रहे हों तो उसका बैकग्राउंड लाइट अगर होगा, सॉरी बैकग्राउंड उसका डार्क होगा तो आउटर ग्लो और भी अच्छा लगेगा। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई डार्कर बैकग्राउंड ले लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर एक सॉलिड कलर ले लेता हूँ, कोई भी हो सकता है, ये ले लेते हैं, रेड में ले लें, कोई भी कलर में ले लें, इट्स अप टू यू, बट होना डार्क चाहिए, ठीक है। सिंपली मैं इसे ओके कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब क्या है हमारे पास, अब हमें यहाँ पर शेप चाहिए। तो देखिए, शेप कोई भी हो सकता है, कोई शेप हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो फिल वक्त मैं यहाँ पर कोई भी शेप ले लेता हूँ, एलिप्स ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं एक सिंपली एलिप्स ड्रॉ कर रहा हूँ अल्ट्राशॉट से, ठीक है। अच्छा जी, ये बनाते अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर आकर इसका फिल ऑफ कर देना है और स्ट्रोक में आ जाना है। ये रहा स्ट्रोक, सिंपली मैं यहाँ पर जो स्ट्रोक है वाइट में देना चाह रहा हूँ, और इसके स्ट्रोक की वैल्यू जो है मैं तकरीबन कर देता हूँ 18, ठीक है, इस तरह। अब देखें, मैंने इस वक्त 18 रखा है क्योंकि मुझे ठीक सेटिंग लग रही है, आप चाहें तो इसे चेंज करके भी देख सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली इस एलिप्स की मुझे एक कॉपी चाहिए। तो कॉपी करने के दो तरीके हैं, चाहो तो मैं इसे कंट्रोल जे कर लूँ, इससे भी कॉपी बना लूँ, और अगर जे मैं यहाँ पर इसे उठाकर यहाँ ले आऊँ तो भी इसकी कॉपी बन जाएगी। अब देखें, इसकी कॉपी बनाने की क्या रीज़न है कि अगर मैं इसकी कॉपी नहीं बनाता और डायरेक्ट ही इस एक एलिप्स के ऊपर ग्लो दे देता तो ये बहुत ही वियर्ड लगता है। इसका रिजल्ट मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले मुझे क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर इसकी कॉपी ले ली है, अब सेकंड वाला जो है, यानी फर्स्ट वाले बाद सेकंड वाला जो है, इसके लिए मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ इफेक्ट्स में और यहाँ पर मैं जा रहा हूँ स्ट्रोक्स में। अच्छा, देखें जैसे मैं स्ट्रोक्स में आ रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिकली ग्रेडियंट भी फिल कर लिया है और सेटिंग को उठा लिया। बाय डिफॉल्ट जो है ये कलर पर हुआ होता है, बट मैंने कुछ देर पहले ग्रेडियंट किया था तो ये ग्रेडियंट यहाँ शो कर रहा है। अच्छा, देखिए इसी के साथ क्या है कि आप यहाँ पर इसकी सेटिंग के साथ कुछ प्ले कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, जितनी चाहें उतना आप इसकी साइजिंग इंक्रीज़ करें, बट देखिए ज़्यादा साइजिंग इंक्रीज़ मत कीजिएगा। इसकी रीज़न ये है कि अगर चे हमारा ये जो राउंड आ रहा है इस राउंड से बहुत ज़्यादा हो गई तो फिर इसके ऊपर ग्लो ठीक से नहीं रहेगा और बुरा लगेगा। तो खैर, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ग्रेन पर आ जाते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं और सिंपली हम यहाँ पर कलर दे देते हैं। अब देखें, कलर जितने लाइटर होंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि डार्क बैकग्राउंड है, उसके ऊपर हमें कोई भी लाइट कलर लेने होंगे, कोई भी दो लाइट कलर ले लें, इट्स अप टू यू, और दो नहीं चाहें तो आप जितने चाहे उतने कलर ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैं यहाँ पर एक और कलर ऐड करता हूँ, अल्ट प्रेस करके मैं इसे यहाँ ले आया हूँ, और इसके अंदर मैं कोई और कलर भी ऐड करना चाह रहा हूँ, यही कर देते हैं ऐड, ठीक है। कि ये थोड़ा मैं इसमें काम कर रहा हूँ, मैं कुछ इस टाइप कलर ले लेता हूँ ताकि ऐसा हो ये तीन डिफरेंट टाइप में आ जाएंगे। ओके, आई थिंक ये ठीक है। ठीक है जी, तीन कलर मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे ओके कर रहा हूँ और इसे मैं ओके कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ आते हैं मेन ट्रिक के ऊपर। अब देखें, राइट क्लिक करके मैं इसे जो है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ। इसकी रीज़न ये है कि अगर मैं इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर कन्वर्ट नहीं करता और इसमें फ़िल्टर सप्लाई कर देता तो इसके बाद मेरे पास इसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन जब मैंने इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया इसके बाद मेरे पास पूरा ऑप्शन मौजूद हैं कि मैं इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं आ रहा हूँ फ़िल्टर्स में और ब्लर में जा रहा हूँ और गॉशियन ब्लर में जा रहा हूँ। तो चलिए जी, कितना सिंपली हमने यहाँ पर बहुत अच्छा सा स्ट्रोक ग्लो क्रिएट कर लिया है स्ट्रोक की मदद से। तो देखिए, अब मैं ज़रा इसे ओके कर रहा हूँ। अब मुझे लगे कि इसकी वैल्यू ठीक नहीं लग रही, मुझे कुछ चेंजिंग करनी है, सिंपली यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ।
जिस तरीके से मुझे करनी हो। बट अगर मैं इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं करता और डायरेक्टली अगर अप्लाई कर देता तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं होता, इसलिए हमने इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर कन्वर्ट कर लिया है। देखिए सिंपली हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो लेयर्स हैं यहाँ पर लेयर्स की। अब देखें फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर मैं इसकी कॉपी नहीं लेता और डायरेक्टली अप्लाई कर देता हूँ, देखें इसका रिजल्ट कुछ ऐसा होता, कितना वियर्ड लग रहा है। लेकिन जब मैंने इसके ऊपर एक एलिप्स वाइट कर दे दिया तो अच्छा लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर एलिप्स को वाइट रखने की रीज़न ये है कि अगर जो मैं यहाँ पर क्लिक करें और कोई और कलर ले लें, ठीक है, कोई और कलर चेक कर सकते हैं। देखिए कोई और कलर इसके ऊपर सूट नहीं करेगा, वियर्ड लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए वाइट कलर एक ऐसा है कि यह इस जो बैकग्राउंड है हमारा, कि बैकग्राउंड बहुत डार्क है, ठीक है, और ग्लो तभी अच्छा लगेगा जब कोई डार्क बैकग्राउंड हो और उसके ऊपर हम कोई ऐसी दें जो उसको ग्लो कर सके ठीक से। तो देखिए वाइट कलर से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं होगा, डार्क है और एक तरफ लाइट है, और वाइट सबसे ज़्यादा लाइट कलर है, सबसे ज़्यादा बेहतरीन इसके अंदर लगेगा। क्योंकि देखिए हमें यहाँ पर वाइट अप्लाई करने की रीज़न यही है कि हमें इसके जो है वो एक इसकी अलग से डेप्थ शो करनी है। देखिए बिल्कुल यही हो रहा है कि इसकी एक अलग से डेप्थ आ रही है। अब अगर एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और इसके अंदर कोई ऐसा कलर ले लूँ जो डार्क ना हो, डार्क कलर रखने की रीज़न यही थी कि अब देखिए अगर मैं लाइट कलर रखता हूँ तो क्या इसका रिजल्ट आ रहा है कि बिल्कुल ही वियर्ड लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर जो मैं इसे डार्क की तरफ रखता हूँ, डार्क टोन में रखता हूँ, तो इसका कलर हमारे पास बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आ रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने ईजिएस्ट वे में यहाँ पर ग्लो क्रिएट कर लिया है, वो भी विदाउट आउटर ग्लो को यूज़ किए। तो आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।